रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को मिल गई है। शुक्रवार को मुंबई में हुए मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी है। नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और ग्रुप की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। नोएल टाटा पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। नवल और सिमोन टाटा के बेटे नोएल ट्रेंट वोल्टास टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन भी हैं। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह से समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप और की परोपकारी संस्थाओं का समूह है जो 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप में 66% की हिस्सेदारी रखता है। टाटा ट्रस्ट में सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट शामिल है। गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले ट्रस्ट रतन टाटा की विरासत का अभिन्न अंग है। 67 साल के नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और कई वर्षों से टाटा ट्रस्ट सहित टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वह नवल टाटा की दूसरी पत्नी के बेटे हैं। नोएल एक आयरिश नागरिक हैं। उन्होंने पलोनजी मिस्त्री की बेटी आलू मिस्त्री से शादी की थी।